हेलो एवरीवन। तो हमने करी है अमरूद की प्लकिंग। आप देख सकते हैं हमारे बगीचे में कितना बरसात का पानी भर गया है, लेकिन हम तभी भी प्लकिंग कर रहे हैं। और ये इतना बारिश का पानी से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमारे सारे अमरूद बेकार हो रहे हैं। तो ऐसे वैसे हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस आप देख सकते हैं पानी कितना है हमारे बगीचे में, लेकिन ये सारा पानी निकल जाएगा बगीचे से बाहर। हमारे हमने सारा पानी का अपना सिस्टम निकलने का बाहर बना रखा है, ताकि हमारे पेड़ को नुकसान नहीं दे पानी ज़्यादा। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमें किसान लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें जितना फल नहीं मिल पाता है जितनी मेहनत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अमरूद लगे हुए हैं, तो हम इनको तोड़ते हैं। अभी ये अमरूद सारे हमारे कच्चे हैं, अब जब हम इसको 2 दिन के बाद तोड़ाई करेंगे इसकी, तो ये अमरूद बिल्कुल पक्का रेडी हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अगले पेड़ पर। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, किसान इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो जितना अपना पैसा लगाते हैं अपने किसान में, उन्हें उतना उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। नीचे बढ़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश है, इस बारिश से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए ये जो हमारे अमरूद हैं बारिश की वजह से सारे बेकार हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
परेशान दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो सर्दी का अमरूद होगा वो इस साइज का होगा, देखिए इस साइज का होगा। अगर आपको भी अपने बगीचे में सर्दी का अमरूद की टेक्निक चाहिए, किस तरीके से सर्दी का अमरूद बनाते हैं, तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसान लोगों से हमें कुछ मदद और हम उनकी कुछ मदद कर सकें और हमें भी कुछ उनसे हेल्प मिल सके, ताकि हम एक दूसरे की सहायता से अपना जो अमरूद की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे बगीचा देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा बगीचा है। हमने अच्छी जुताई चल रही थी हमारे बगीचे में, लेकिन बारिश होने के कारण इसकी सफाई नहीं हो पाई है, थोड़ी थोड़ी घास यहीं रह गई है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।